秦大哥。 फिल्म की शुरुआत में चीन के एक शहर में एक बड़ा सा जीव नदी में तैर रहा होता है, जबकि सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं और अपनी रोज जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी के आगे कुछ गिरता हुआ देखता है और गुस्से से गाड़ी के बाहर आता है, ये सोचते हुए कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जल्द ही उसे आभास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। सभी लोगों की नज़र आसमान से आ रहे एक बड़े से दानव जीप पर पड़ती है, जो जमीन पर उतरता है और सभी लोगों पर हमला कर देता है। ट्रक ड्राइवर जैसे ही थोड़ा होश में आता है, वो उस जीप को लोगों की ओर देखकर भयानक रूप से गुर्राते हुए देखता है। तब सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लोग उस दानव से बचने के लिए इमारतों में जाकर छुपने लगते हैं, जबकि वो एक विशाल शॉकवेव को उजागर करता है जो आसपास की हर चीज को नष्ट कर देती है। सीन यहीं कट हो जाता है। 10 साल पहले एक मिलिट्री विमान आसमान में उड़ते हुए एक खदान की तरफ जा रहा होता है, जहां कई सारे कर्मी काम कर रहे होते हैं। मुख्य पात्र क्विंग अपनी टीम के साथ डॉक्टर यी से मिलने जाता है, जो कि उनकी पत्नी भी होती है। फिर यह पता चलता है कि उन्होंने खदान में एक जरूरत से अधिक रेडिएशन की खोज की है और वे अपने कर्मियों के गुम होने के कारण उनकी खोज करने हेतु गुफाओं में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे नीचे पहुँचते हैं और आगे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वे घातक रेडिएशंस को नोटिस करते हैं जो और तेजी से बढ़ रही होती हैं। फिर वे लोग सावधानी से विस्फोट से बचने की कोशिश करते हुए अंदर जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें अपने खोए हुए कर्मी मिलते हैं, जो वहां मरे हुए होते हैं। फिर टीम रेडिएशंस का स्रोत पता करने के लिए आगे बढ़ती है और उन्हें एक विचित्र वस्तु दिखाई देती है, जो कि एक प्राचीन एस्ट्रॉइड होता है। फिर डॉक्टर सावधानी से उसके नज़दीक उसका परीक्षण करने जाती हैं और क्विंग अपने साथियों को सावधान रहने को कहता है। उन्हें जल्दी ये पता चल जाता है कि एस्ट्रॉइड में एक ऐसा तत्व है जिसका जिक्र पीरियोडिक टेबल में नहीं है। फिर डॉक्टर यी उसका सैंपल लेती हैं, जिससे वे आगे उसके बारे में और जान सकें। पर उन्हें ये पता नहीं चलता कि उस एस्ट्रॉइड के पीछे एक अंडा होता है जो बहुत तेज़ी से टूटने वाला होता है। तभी एक आदमी को उस पत्थर से धड़कनों की आवाज़ आती है जो किसी इंसान की नहीं होती। तभी उन पर एक विशाल जीव हमला कर देता है। टीम एक बड़े से दानव को देखती है जो उनके सामने होता है। तब वे जल्दी से उस पत्थर से पीछे हटने लगते हैं और गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उस दानव पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो एक एक करके सब सदस्यों को मारने लगता है। तब क्विंग उस दानव पर गोली चलाकर उसका ध्यान भटकाता है, ताकि उसकी पत्नी यी बचकर भाग सके। तभी दानव क्विंग पर हमला करता है और उसे बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ खींचने लगता है। डॉक्टर ये सब देखती हैं और अपने पति को बचाने जाती हैं और उस दानव की जीप पर एक रॉड से वार करती हैं, जिससे वह क्विंग का पैर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। फिर वे तेजी से लिफ्ट की ओर भागते हैं, लेकिन क्विंग अपने टूटे हुए पैर के कारण तेज नहीं भाग पाता। वे दरवाजे के पास पहुंचने वाले होते हैं, दानव अपनी जीप से डॉक्टर यी का पीछे से गला पकड़ लेता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी वो अपने पति को दरवाजे के बाहर धक्का देती है और अपनी जान को कुर्बान कर देती है। वे लोग उनकी जान बचाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता और क्विंग अपनी पत्नी को दरवाजे की दूसरी तरफ से देखता है, जो उससे कहती हैं कि सब ठीक होगा और दानव का सामना करने के लिए उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। क्विंग का साथी उसे लिफ्ट की तरफ खींचता है। यही सीन कट होता है। उस भयानक हादसे के 10 साल बाद क्विंग एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जहां वो लोगों के लिए खाना तैयार करता है और अपने टूटे हुए पैर से अभी भी पीड़ित होता है। उसका भयानक रवैया वहां आए लोगों को परेशान करता था, जिस कारण उसे रेस्टोरेंट के मालिक के साथ परेशानी होती थी। पर उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा शराब के ही नशे में रहता था। दूसरी तरफ प्रोफेसर गु द्वारा एक गुप्त एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो मुख्य किरदार के बाद उस हादसे के इकलौते दूसरे सर्वाइवर थे। वो उस एस्ट्रॉइड को स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, जो डॉक्टर टैंग की मदद से गुप्त सुविधा से भूमिगत रखा गया है, और उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अब बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास उस दानव से लड़ने का अनुभव हो, और प्रोफेसर ऐसे केवल एक व्यक्ति को जानते थे जो इस काम में माहिर था। वे उस रात फिर मुख्य किरदार यानी क्विंग के पास जाते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्विंग साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपने उस भयानक सदमे के अनुभव से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया होता है। इसके बाद क्विंग अपनी पत्नी के उद्देश्य को याद करने लगता है, जो कि लोगों की जान बचाना था, जिस कारण क्विंग उस मिशन पर एक आखिरी बार जाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो किचन में जाता है और अपने प्रोस्थेटिक पैर लेता है, जो उसके लिए बना था, जिससे उसकी चोटों के बावजूद उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अगले दिन प्रोफेसर गु द्वारा एक सेना उस गुप्त जगह पर बुलाई जाती है,
जिसका नेतृत्व एक शातिर कप्तान पैन कर रहा होता है। वे लोग उस बिल्डिंग के अंदर आते हुए एक गाड़ी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे होते हैं, जिसमें से क्विंग अपने नए साथियों से मिलने के लिए बाहर निकलता है। डॉक्टर टैंग उसकी तरफ बढ़ती हैं और पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत समय से परिचित होते हैं, क्योंकि ये औरत उसकी पत्नी की बहुत अच्छी छात्र होती है। फिर सेना बहुत जल्दी अपने युद्ध कवच पहन लेती है और उस विशाल जगह के अंदर जाने लगती है, जबकि डॉक्टर उनके पीछे रहकर ऑपरेशन की निगरानी करती हैं। फिर टीम बड़ी सी सुरंग के अंदर घुसती है, उनके पास जितनी लाइटें हैं उसे खोल लेती हैं। डॉक्टर टैंग बिल्डिंग के लेआउट को देखते हुए अपने साथियों से सावधान रहने को कहती हैं, क्योंकि सुरंग की रेडिएशन ने वह रहने वाले जीव को बदल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। वे लोग धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और अंततः उस पत्थर के सामने पहुंच जाते हैं। फिर जब वे लोग रेडिएशन के लिए चिन्ह की जांच के लिए आगे जाते हैं, जैसे कि प्रोफेसर ने कहा होता है, पर उन्हें वहां कोई भी असमानता नहीं दिखती। फिर बिना कोई समय बर्बाद करते हुए वे लोग उस पत्थर को एक ट्रॉली में डालते हैं और उस जगह से निकलने की तैयारी करते हैं, और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से बाहर को जाने लगते हैं। पर तभी उन्हें एक बड़ी सी दीवार दिखती है जो उनके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देती है। इस वजह से पूरी टीम बहुत उलझन में आ जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि सुरंग कैसे बदल गई। कप्तान अपने आदमी से दीवार के पास जाकर उसे उसकी जांच करने को कहता है, लेकिन क्विंग भांप जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। फिर सब लोग ध्यान देना शुरू करते हैं कि दीवार की सतह हिल रही है। फिर अचानक से वह आदमी बड़े जबड़े द्वारा निगल लिया जाता है। सब लोग इतने विशालकाय जीव को देखकर पीछे हटने लगते हैं और वे दूसरी तरफ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। दानव भी उनका पीछा करने लगता है और इस हड़बड़ी से लेफ्टिनेंट चैन गिर जाते हैं, और तभी उन्हें एहसास होता है कि ऊपर से उन पर और ज्यादा जीव हमला कर रहे होते हैं। तभी क्विंग द्वारा उन्हें पीछे खींच लिया जाता है और सभी सैनिक उस दानव पर गोली चलाने लगते हैं, पर उस दानव पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर एक के बाद एक वो दानव सभी लोगों को मारने लगता है। तभी क्विंग लेफ्टिनेंट चैन से उस एस्ट्रॉइड को बाहर ले जाने को कहता है और खुद कैप्टन के साथ मिलकर उस दानव को रोकने की कोशिश करता है, ताकि बाकी सेना को भागने का मौका मिल सके। फिर वे लोग जल्दी से उठते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, जबकि सारे दानव उनका पीछा करने लगते हैं। डॉक्टर टैंक को बाहर से गोलियों की आवाज आने लगती है और वो पीछे जाकर ट्रक का दरवाजा खोलती है और कैप्टन और क्विंग को अपनी ओर भागकर आता देख हैरान रह जाती है। फिर वे लोग ट्रक में चढ़कर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं और दानवों से छुप जाते हैं, जबकि दानव ट्रक के पास जाकर इधर उधर देखकर अपना खाना खोज रहा होता है। वे लोग शांत रहने की कोशिश करते हैं ताकि दानव का ध्यान उन पर ना पड़े, लेकिन दानव बहुत तेजी से ट्रक को धक्का मारता है और उसे पलटा देता है। वे लोग इस हमले से किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन तभी वो दानव ट्रक का दरवाजा तोड़ देता है और एक रिसर्चर को हवा में उठा लेता है। क्विंग ट्रक की एक तरफ की दीवार पर गोले चलाता है ताकि वे लोग वहां से बाहर जा सकें, और दूसरी टीम अभी भी दूसरे दानव से बचकर भाग रही होती है कि तभी क्विंग और बाकी लोग उस ट्रक से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। फिर वे सब लोग अपनी गाड़ियों की तरफ भागने लगते हैं, इससे पहले कि कोई और दानव आए और उनका पीछा करे। तब उन्हें समझ आता है कि वह एक मिशन में झोंक दिए गए हैं जो पुराने वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर दर्शकों को अपनी रिसर्च का फल दिखा रहे होते हैं और सबके सामने एक बड़े से जानवर को दिखाते हैं। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, उस इमारत की छत टूटकर उसके ऊपर गिरती है और एक दानव अपने दांतों से उस जानवर को पकड़कर अपने हाथ साथ लेकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ टीम मीटिंग की जगह पर पहुंच जाती है और एस्ट्रॉइड से मिलकर बाहर निकलती है, जबकि कप्तान इतना खतरनाक मिशन मिलने के कारण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी वो प्रोफेसर को आता हुआ देखता है और उनकी टीम को धोखा देने के लिए उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और उनका कॉलर पकड़कर उनसे ज्यादा पैसों की मांग करता है और गुस्से से चला जाता है। क्विंग भी प्रोफेसर के पास जाता है और उससे बढ़ती हुई रेडिएशन के बारे में झूठ बोलने के लिए निराशा जताता है और उससे एस्ट्रॉइड को बाहर निकालने का कारण पूछता है, पर प्रोफेसर उससे कहता है कि यह उनकी भलाई के लिए है। फिर प्रोफेसर अपनी लैब में जाता है और यह पता चलता है कि वह एस्ट्रॉइड के तत्वों से एक बहुत बड़ा और भयानक दानव बना रहा होता है। वो साइंटिस्ट से उस दानव पर दिमाग को काबू में करने वाला यंत्र लगाने को कहता है, ताकि वह उसे अपने काबू में रख सके और उसे एक भयानक हथियार बना सके। तभी उस दानव के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे उससे दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वह अंदर जाकर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि दानवों का तापमान बढ़ रहा है और अर्थात वह दिल के दौरे का नाटक कर रहा होता है। फिर वह दानव अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और लैब से बाहर निकलने में कामयाब होता है। तभी क्विंग अलार्म की आवाज़ सुनता है और दानवों को लैब से बाहर निकलते हुए देखता है, जो लोगों को मारते हुए निकलता है। क्विंग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और डॉक्टर के साथ वहां से बाहर निकलता है। जैसे वह नीचे पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि
वहाँ लोग पहले से ही मरे पड़े हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो दानव उनके पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर वे जल्दी से छुप जाते हैं। लेकिन फिर भी वह दानव उन्हें ढूंढ लेता है। तक पीछे जाने लगते हैं कि तभी समय से डॉक्टर वहाँ का दरवाजा खोलकर भाग निकलता है। दानव दीवार तोड़कर भाग निकलता है। फिर क्विंग डॉक्टर से उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि उन्होंने एस्ट्रॉइड बाहर इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें कुछ और तत्वों की जरूरत थी। क्विंग उससे कहता है कि वह उसकी पत्नी की छात्र होते हुए ऐसी हरकत कैसे कर सकती है और उसे अपनी गलती सुधारने को कहता है। अगले दिन जब प्रोफेसर अपनी लैब में हुआ नुकसान देखने आते हैं, तब वह क्विंग को उस पत्थर को ले जाते हुए देखते हैं। जैसे ही क्विंग उस पत्थर को लिफ्ट में ले जाता है, तभी कई सारे सैनिक उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तब क्विंग उन सबको हराने में कामयाब होता है। तभी वहाँ डॉक्टर पहुँच जाती है और वे दोनों मिलकर पत्थर को गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ कप्तान आता है और उन पर गोलियाँ चलाता है, लेकिन एक भी गोली उन पर नहीं लगती। फिर प्रोफेसर बिल्डिंग से गुस्से से बाहर निकलते हैं और कप्तान को इसका जिम्मेदार मानते हैं। पर कप्तान उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी माँ का ऑपरेशन कराने का वादा किया था, जो उसने पूरा नहीं किया। तब प्रोफेसर उसे सबूत दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन पहले ही हो चुका होता है, लेकिन अब कप्तान को उस पत्थर को वापस लाना होगा। क्विंग और डॉक्टर उस जीव को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। जैसे वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर देखती है कि वह जीव घायल है और वह क्विंग से उसकी मदद करके उसका भरोसा जीतने की बात कहती हैं। फिर वह दोनों मिलकर उसके शरीर पर फंसी मेटल की रॉड को निकालते हैं, जिससे उस दानव को बहुत दर्द होती है और वह जोर से चिल्लाता है। रॉड निकलते ही वह खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ बढ़कर फिर उस जगह को छोड़ देता है। फिर अगले दिन क्विंग देखता है कि डॉक्टर अपने लैपटॉप में कुछ देख रही होती है, तो वह उसकी तरफ जाता है और एक बड़े से दानव को देखता है और कहता है कि इसी ने उसकी पत्नी को मारा था। वह शहर की तरफ बढ़ता है और लोगों की जान लेने लगता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर उस दानव के पास पहुंचता है और उसे फिर से पकड़ने की सोचता है। तभी उसका एक आदमी उस दानव की ओर एक मिसाइल लॉन्चर से हमला करता है, जिससे उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है और तबाही मचती है। तभी क्विंग भी उस जंग के मैदान में पहुंचता है और उस दानव को देखता है, उसे शहर से बाहर निकालने के बारे में सोचता है। फिर वह उस एलियन को एस्ट्रॉइड की तरफ आकर्षित करता है और गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिससे वह दानव उसका पीछा करने लगता है। आम लोग उसे देखकर घबरा कर भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर डॉक्टर यह महसूस करती हैं कि कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा, और जैसे ही वो खिड़की से अपना सिर निकाल कर देखती हैं, तो वह दानव हवा में उड़ रहा होता है और उनकी गाड़ी को हवा में ही ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि वह दानव वैसा कर पाता, नदी के नीचे एक दूसरा दानव निकलता है, जो कि एक बहुत बड़ा और भयानक ड्रैगन होता है, और किनारे की तरफ आता है, जिससे बहुत भयानक झटके महसूस होते हैं, जिससे उनका ट्रक पलट जाता है और वो उस दानव को धक्का देता है, जिससे वह सैनिक की गाड़ी पर जाके छटक जाता है। लेकिन वह इस हमले से बहुत जल्दी उभर जाता है, फिर से उड़ते हुए आसमान की ओर चले जाता है, लेकिन वह ड्रैगन उसका पीछा करता है। तभी क्विंग प्रोफेसर के पास गुस्से से जाता है और उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे इस पूरी तबाही का जिम्मेदार ठहराता है। यह देखकर कप्तान आगे बढ़ता है और क्विंग के सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कप्तान उसे धक्का दे देता है। तभी एक लड़की भागते हुए जाती है और लेफ्टिनेंट की मदद करने लगती है, लेकिन तभी वह देखता है कि ऊपर से कंक्रीट उनके ऊपर गिरने वाला है और वह अपनी टीममेट को धक्का देकर उससे दूर कर लेता है और खुद घायल हो जाता है। फिर वह लड़की लेफ्टिनेंट को उठाती है और उससे वादा करती है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगी। क्विंग एक बार फिर खड़ा उठता है और प्रोफेसर को रोकने की कोशिश करता है और डॉक्टर कप्तान को पीछे से मारती है, जो कि क्विंग को चाकू मारने ही वाला होता है। इससे कप्तान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और मारने ही वाला होता है कि वह उसके वार को रोक लेती है। दूसरी तरफ दानव उनके सिर के ऊपर ही लड़ रहे होते हैं और एलियन जीव जीत रहा होता है और वह उस ड्रैगन को जमीन की ओर फेंक देता है, जिससे वह नीचे खड़े सभी लोगों पर गिरता है, जिससे वह हवा में छटक जाते हैं। फिर वह एलियन जमीन पर आकर जीत की खुशी में जोर से गिर जाता है, पर क्विंग फिर खड़ा उठता है और कप्तान की ओर देखता है, जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और मरने से पहले आखिर बार अपनी माँ के ऑपरेशन के दस्तावेज को निराशा से देखता है। लेफ्टिनेंट अपने साथ ग्रेनेड लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना उस एलियन की ओर भागते हैं और उसके पास पहुंचते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वह दानव पूरी तरह आग में लिपट जाता है, लेकिन बहुत जल्दी उससे भी उबर जाता है। क्विंग निराशा से उसकी ओर देखता है और ड्रैगन की मदद करने के लिए एस्ट्रॉइड को बाहर निकालता है और अपनी पूरी ताकत से उसे उठाकर बड़े से ड्रैगन के पास रख देता है। फिर वह उस एस्ट्रॉइड को बाहर का छिलका निकाल देता है, जिससे बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी ड्रैगन उठकर उस पत्थर को निगल लेता है और उस एलियन की ओर देखकर जोर से गुर्राता है, उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। क्विंग
बेहोशी की हालत में अपनी पत्नी के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करता है और मर जाता है। तभी डॉक्टर आसमान से आते मिलिट्री विमानों को देखती हैं, जो कि उन दोनों जानवरों पर मिसाइल गिराते हैं जिससे वे दोनों मर जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर को जेल हो जाती है और क्विन की कब्र अपनी पत्नी के बगल में ही होती है। अंतिम सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जिससे एक फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि समुद्र तल में कई और दानवों को देखा गया है और धरती पर कई एस्ट्रॉइड अभी भी मौजूद है। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।